आज के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि 9 महीने में मेरे ग्रे बालों को कन्वर्ट करके ये परमानेंटली ब्लैक कर देगा। आज का रिव्यू 100% ऑनेस्ट रिव्यू है, कोई स्पॉन्सर्ड कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और इसका एक अपडेट वीडियो भी आपको मिलेगा, एक या दो अपडेट वीडियो मिलेंगे आपको मेरे चैनल पर। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है अबाउट द रिव्यू ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इज लॉन्च्ड बाय एक ब्रांड है कॉल्ड बी बॉडी वाइज। अब ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड नॉन पेड 100% मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा इसको शेयर करने का, और कैसे ये काम करता है, क्या काम करता है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपसे डिटेल में शेयर करूँ। ठीक है, सो ये ऐसे बॉक्स में आया था और मैंने, आपने देखा होगा, मैंने अपने चैनल पे ना कम्युनिटी पोस्ट पे एक बार पोस्ट डाली थी कि ये लॉन्च हुआ है और आई एम थिंकिंग ऑफ ट्राइंग दिस एंड शेयरिंग माई रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो। अगर 100 येस आते हैं अंडर द कॉमेंट सेक्शन तो मैं इसको खरीद लूँगी। एंड टू माई सरप्राइज मुझे बहुत सारे येस कॉमेंट्स आए थे एंड आई बॉट दिस। ठीक है, अब इसे खरीदे हुए 1-1.5 महीना हो चुका है बट मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको स्टार्ट करने का, यूज़ करने का और वीडियो को शूट करने का। फाइनली आई द टाइम, सो आई थॉट इसकी वीडियो बनाई जाए। सो ये बी बॉडी वाइज एक ब्रांड है, उन्होंने लॉन्च किया है 1% डार्कनेल हेयर सीरम। नाउ ये जो हेयर सीरम है इनके अकॉर्डिंगली ये आपके बालों को, आपके बालों में जो व्हाइट हेयर है उनको रिड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा मेलेनिन की प्रोडक्शन को और हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। नाउ मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन एक तरह का एक सब्सटेंस है जो हमारे स्किन में और हमारे बालों में बनता है। जितना ज़्यादा मेलेनिन स्किन में बनता है या बालों में बनता है उतने ज़्यादा डार्क या ब्लैक हमारा कॉम्प्लेक्शन या हमारे हेयर का कलर होता है। तो जैसे कि मेरा डस्की कॉम्प्लेक्शन है और मेरे बाल भी बिल्कुल जेट ब्लैक है नेचुरली, तो मेरी स्किन और बालों में मेलेनिन ज़्यादा बनता है पैदाइशी। ठीक है, जेनेटिकली जिनका लाइट होता है या कम मेलानिन बनता है स्किन और बालों में उनके बाल ब्राउन या यू नो ब्लॉन्ड ऐसे होते हैं और उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। नाउ बालों की अगर बात की जाए तो जब हमारे बालों में नेचुरली मेलानिन बनना बंद हो जाता है और किसी भी रीज़न की वजह से वो हो सकता है, चाहे आपने केमिकल्स लगाए हो, चाहे आपने हेयर डाइज लगाई हो, स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग ऐसे सब ट्रीटमेंट्स कराए हो अपने बालों में, वो केमिकल रिएक्शंस आपके बालों में मेलानिन की प्रोडक्शन को ख़त्म कर सकते हैं और या स्लो डाउन भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाइट हेयर या आप कहें ग्रे हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ अगर तो मेरे ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा कि आपके तो ग्रे बाल है ही नहीं ना, लुक एट दिस, ओह माय गॉश, कैन यू सी, ये सारे मेरे ग्रे बाल हैं और मेरे सारे जो ग्रे बाल है ना वो सारे फ्रंट में ही हैं। आप देख रहे हो, ये देखो सारे पूरी पूरी जड़ें मेरी ग्रे हैं और सिर्फ यही है तो सारे मेरे जो ये देखो कैन यू सी दैट। सो ये जो मेरे बाल है ना सारे के सारे, ये क्यों हुए हैं मेरे ग्रे? आई एम 38 आपको बता दूँ, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि अरे हो सकता है एजिंग की वजह से हो, सो आई एम 38 और एजिंग की वजह से तो मेरे बाल ग्रे नहीं हुए हैं क्योंकि ये बाल मेरे फ्रंट से 10 साल हो चुके हैं, उससे भी पहले से ग्रे हैं। तो अभी आई वॉज अराउंड 28-29 मेरे ग्रे आने शुरू हो गए थे। नाउ क्यों शुरू हुए थे कि मैंने ना बहुत वो शौक होता है ना जब व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग और आपके पास खुद की अर्निंग आ जाती है तो यू फील लाइक ऐसे ये करा लूँ वो करा लूँ, तो मैंने ऐसे शौक शौक में आके स्ट्रीक्स कराई थी। तब 2007 की बात बता रही हूँ, 2007 में मैंने स्ट्रीक्स कराई, शौक था और उसका कलर ना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो 2 महीने में ही मेरा दिल भर गया उस स्ट्रीक से और आई थॉट कि नहीं मुझे मेरे वो नेचुरल ब्लैक बाल चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब समझ तो थी नहीं ना, अकल थी उस टाइम पे ना, यूट्यूब होता था कि कोई अकल दे दे ना, यू नो गूगल वूगल भी नहीं करते थे। सो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि गार्नियर का ब्लैक हेयर कलर लेती हूँ क्योंकि बाकी बाल मेरे ब्लैक ही थे और उसको कर लेती हूँ तो जो स्ट्रीक्स कराई हैं वो ब्लैक हो जाएंगी और मैं आई विल बी बैक टू नॉर्मल। और मैंने ऐसे किया, मैंने अपने आप खरीदा नेचुरल ब्लैक कलर गार्नियर का और लगा लिया और वो सारी स्ट्रीक्स ठीक हो गई और मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो बैक टू नॉर्मल है ना, शौक पूरा हो गया। बट आफ्टर 1-1.5 मंथ वो ब्लैक कलर फेड हो गया और वो जो स्ट्रीक्स थी वो फिर से आने लग गई, फिर से दिखने लग गई। अब उसको फिर से छुपाने के लिए या हटाने के लिए मैंने फिर से यू नो नेचुरल ब्लैक कलर गार्नियर का उठाया और कर लिया। ऐसे करते 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 कितने, और जो स्ट्रीक थी ना जो मैंने कराई थी वो सेमी परमानेंट नहीं थी, वो परमानेंट काइंड ऑफ थी। ना परमानेंट स्ट्रीक्स क्या होती हैं कि जब तक वो बाल कटेंगे नहीं ना तब तक वो कलर बालों में रहेगा, वैसे वाला मैंने झल्लों की तरह करवाया था। तो क्या हुआ कि मुझे हर महीने 2 महीने में नेचुरल ब्लैक कलर जो गार्नियर का आता है वो करना पड़ा। अब इतना केमिकल हर 1.5 महीने में लगा लगा के विद इन 2 ईयर्स मैं कहूँगी आई गॉट माई ग्रे हेयर, मेरे मेरे फ्रंट फ्रंट से यहाँ यहाँ से और पूरे यहाँ यहाँ से सारे ग्रे हेयर आने शुरू हो गए।
और मुझे उस टाइम पे ना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कलर तो मैं एनीवेज लगा ही रही थी ना, मैंने ध्यान दिया कि यार ग्रे आने लग गए हैं, थॉट कि इतना केमिकल लगा रही हूँ, आ रहे कोई बात नहीं यार, जॉब पे जाना है, अच्छा लगना है, और किसके पास टाइम है, यू नो यूट्यूब भी नहीं था उस टाइम पे। सो मैं वो करती रही करती रही करती रही, और कितने आई थिंक 10 साल मैंने कलर लगाया है। सो केमिकल लगा लगा के मेरे बाल ग्रे हो गए। अब क्या था कि अब आई एम 38, बट 38 में भी, 38 की एज में भी इतने ग्रे बाल नहीं होते हैं। सो ये मेरे प्री मेच्योर ग्रे बाल हैं। नाउ ये जो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके प्री मेच्योर ग्रे बालों पे बहुत अच्छे से काम करता है, सपोजिंगली अकॉर्डिंग टू देम। तो आई थॉट कि यू नो इसको ट्राई करते हैं भाई बार बार, यू नो अब आजकल क्या है कि मैं केमिकल लगाना छोड़ चुकी हूँ, मैं 100% नेचुरल कलर्स यूज़ करती हूँ, जैसे कि मेहंदी एंड इंडिगो जो मेरा एक बहुत फेमस प्रोसेस है। तो एक नेचुरल प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ अपने बालों को आजकल नेचुरली कलर करने के लिए। केमिकल्स लगाने मैंने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, बिल्कुल छोड़ दिए हैं। लास्ट 3 से 3.5 साल हो चुके हैं मैंने कोई केमिकल अपने बालों में नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो वो कभी वीडियो यू नो शूट करने के लिए लगाया होगा, रिव्यू बनाने के लिए, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आई ऑलवेज प्रेफर मेरा इंडिगो और हैना वाला 2-step process, अगर टाइम नहीं है तो 1-step process। ठीक है, तो ये लंबी हो जाएगी वीडियो, बट आई वांट टू गेट इनटू डिटेल कि आपको प्रॉपर पता चले कि ये कैसे काम करेगा। और मेरा क्योंकि मैं इसकी अब अपडेट वीडियो भी शूट करूंगी आफ्टर ये जो लिखा है कि कितने टाइम बाद ये रिजल्ट देता है, उतने महीने इसको लगाने के बाद मैं अपडेट वीडियो डालूंगी और मैं ऑनेस्टली आपसे शेयर करूंगी एक्चुअली में मेरे लिए काम किया कि नहीं किया। इसीलिए मैंने अपने बालों को भी ग्रे रखा है, बहुत टाइम हो गया बालों को यू नो इंडिगो हैना लगाए हुए, तो आपको दिख जाए कि बालों की कंडीशन इस वक्त कितने ग्रे हैं। ठीक है, आप देख लो अच्छे से, ताकि जब मैं पूरा इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करने के बाद जैसे इन्होंने लिखा है अगर यू नो ये काम करता है कि नहीं करता है, मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे शेयर करूंगी, सो दैट आप भी अपना यू नो मन बना पाएं कि आपको ये यूज़ करना है कि नहीं करना। सो मेरे पास काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, मैंने ये खरीद लिया। और अच्छा, इसमें ये क्या है कि ये SLS फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबेन फ्री है, ये सब है इसमें। और एग्जैक्ट मुझे प्राइस याद नहीं है कितने का मिला था, स्क्रीन पे यहाँ मेंशन कर दूंगी। क्वांटिटी आपको मिलती है एक बॉटल की 60 ml, ऐसे इस तरह की बॉटल आती है। ठीक है, तो ये इसकी बॉटल है 60 ml, इसको क्वांटिटी मिलती है। प्लस साथ में इसके एक आता है ड्रॉपर जो कि ग्लास ड्रॉपर है, ये ग्लास का बना हुआ प्लास्टिक नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये ग्लास ही है, लंबा सा ड्रॉपर है जो अच्छे से बॉटल के नीचे तक जाएगा ताकि जब ये बॉटल यू नो खत्म हो रही होगी तो एंड प्रोडक्ट आपको एंड तक भी मिलता रहेगा। सो आपको यूज़ कैसे करना है इसका मैं बताती हूँ। इसमें लिखा है कि सबसे पहले तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे साइड में डाल दूंगी, आप देख लेना क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको आपको 30 डिग्री के टेम्परेचर से नीचे स्टोर करना है, कूल और ड्राई प्लेस पे, फ्रिज में नहीं रखना है, आईज के आसपास या आईज के अंदर नहीं जाना चाहिए, आईज से दूर रखें। अगर बाई चांस आईज में चला जाता है तो पानी से धो लें, और अगर फिर भी इरिटेशन होती है तो डॉक्टर को आप चेक करा लें। देन चिल्ड्रन से आप बचा के रखें इससे, और जो इसकी कैप है ना इसको टाइटली बंद करें आफ्टर ईच यूज़। ठीक है, अब क्या है कि हमारे बालों में ना ग्रे बाल होते क्यों हैं, कि हमारे बालों में ऑक्सीडेशन होती है। आपको बहुत पहले एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हमारे जड़ों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आपकी जड़ों में बनता है तो आपके बालों को ग्रे कर देता है, तो ये आपके बालों में ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है ये वाला प्रोडक्ट। और इसको यूज़ कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको टेक द सॉल्यूशन इनटू अ ड्रॉपर टू फिल द वॉल्यूम अप टू 1 ml मार्क। यहाँ पे ना इस ड्रॉपर के अंदर 1 ml की मार्किंग दी हुई है, ये 0.5 ml है, ये 1 ml है, तो यहाँ तक आप इसको पूरा भरना है आपको। और उसके बाद अप्लाई द सॉल्यूशन ऑन स्कैल्प एंड स्प्रेड द सॉल्यूशन इवनली विद योर फिंगर टिप्स, वंस डन वॉश योर हैंड। नाउ अकॉर्डिंग टू देम इस प्रोडक्ट को आपको डेली लगाना है 1 ml क्वांटिटी। आप अगर पूरे ही बाल वाइट हैं तो हो सकता है 1 ml से ज़्यादा आपको थोड़ा सा क्वांटिटी लग जाए, तो मेरे हिसाब से मेरे जो आगे आगे के ग्रे बाल हैं इनके लिए 1 ml काफ़ी इनफ रहेगा। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी खुशबू काफ़ी प्लेजेंट है, तो इसको लगाने के बाद आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हाई मैंने क्या लगा लिया यू नो। तो अब इसको मैं पूरा बताती हूँ कि इसको मैंने क्या किया है, कोशिश कर रही हूँ 1 ml तक भर जाए, बट ये एक बार में भर नहीं रही है। 1 ml, आप देखो ज़रा ध्यान से मार्किंग दिख रही है 1 ml की, एक सेकेंड दिखाती हूँ यार फिर ना जाए। ये ना ये है 0.5 ml और ये 1 ml की लाइन है, बट उससे नीचे ही है। ठीक है, तो अब इसको मैंने ऐसे ले लिया है और जैसे कि यहाँ यहाँ एक ड्रॉप डाल दिया मैंने, यहाँ एक ड्रॉप प्रेस कर दिया, आगे आ रहा है। ठीक है, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वाइट है, यहाँ डाल दिया और ऐसे ऐसे थोड़ा रब करके इसको डाल दिया ताकि वो मेरे फेस पे ना आ जाए। ठीक है, और फिर यहाँ डाल दिया थोड़ा सा, इसको रब कर लिया, यहाँ बहुत सारे वाइट हैं, कान में चला गया यार। ठीक है, यहाँ पे वाइट है तो यहाँ थोड़े से ज़्यादा ऐसे ऐसे करके डाल दें, अभी भी बचा हुआ है इसमें और अभी पूरा 1 ml तो भरा भी नहीं था, यहाँ काफ़ी वाइट है तो मैं थोड़ा पीछे तक ये डाल रही हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी पीछे तक वाइट है, यहाँ डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 1 ml से थोड़ा सा
कम था ना, तो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ, बाकी सारा निकाल के। और ये अच्छा, कोशिश करना कि ना ड्रॉपर को बालों पे ज़्यादा टच मत होने देना। अगर तो बाल क्लीन है तो कोई बात नहीं, और इसके बाद इसको टाइटली बंद कर दिया। अगर तो बाल क्लीन है तो कोई बात नहीं, आप इसको टच कर लो, लेकिन अगर बाल गंदे हैं, आज शैम्पू नहीं किया है और ये लगा रहे हो, क्योंकि इस पर लिखा है कि आपको डेली लगाना है, तो कोशिश करो कि ड्रॉपर को इसके ऊपर बालों पर टच मत करना, क्योंकि अगर बालों में कोई डर्ट है, डस्ट है, डंक है, गंक है ना, डंक, वो सारा इस पर ड्रॉपर पर चिपक जाएगा और वापस आप बॉटल जब बंद करोगे तो ये बॉटल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, जो इसके जो सामान इसमें डाल के दिया है उन्होंने, उसको हमने कंटेमिनेट नहीं करना है किसी आउटर थिंक के साथ। तो अच्छे से इसको ऐसे थोड़ी क्लीनलीनेस का ध्यान रहेंगे। बस ये लगा लिया मैंने और इसके बाद हो गए मेरे बाल डन। खुशबू तो अच्छी है, नो डाउट। अब मैं जा रही हूँ अपने हाथ धोने। तो बताऊँ मैं तो, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, ऑयल जैसा नहीं है कि आप सोचो कि आपके बालों को ऑयली कर देगा, एक सिरम की तरह है। तो मेरे बाल ये सूख गया है, सिरम जो मैंने लगाया है इसका, डार्कलिन वाला, और उसके बाद मेरे बाल आप देख सकते हो कि थोड़े से नॉट, मतलब थोड़े से जो उड़े उड़े से लग रहे थे ना वो नहीं है, थोड़े से सेटल डाउन हो गए हैं, बट ग्रीजी या ऑयली बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जब मैं इसको लगा रही थी ना, मैं सोच रही थी कि ये जो लिक्विड है ये मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो ये जब मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ मेरे स्कैल्प पे भी जा रहा है, राइट, मेरे स्किन पे भी आ रहा है, जैसे थोड़ा सा आगे आने लगा था मैंने पीछे से वाइप कर दिया, या कान पे लग गया था मैंने वाइप कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी स्किन के मेलानिन की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा और यू नो वहाँ से आपकी स्किन पैची या डार्क आ जाएगी, डार्क हो जाएगी। सो ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी अपने रिव्यू में कि कहीं इसने मेरी स्किन को तो नहीं डार्क किया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू देम ग्रे बाल से कम्प्लीटली ब्लैक बाल होने में 9 months, 9 महीने का टाइम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू देम, एज पर देम, जो मेरे ये ग्रे बाल हैं 9 महीने के बाद ये टोटली ब्लैक हो जाएंगे, अगर मैं ये जैसे उन्होंने मुझे बताया है ये इसको मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ तो। अच्छा, यहाँ छोटी सी बात बता दूँ कि ये प्री मेच्योर ग्रे बालों पर काम करता है। अगर एजिंग की वजह से आपके बाल या जेनेटिक्स की वजह से आपके बाल ग्रे होते हैं तो आपके बालों को ये ग्रे से ब्लैक नहीं करेगा। आप सोचो मैं तो 55 साल की हूँ, 60 साल की हूँ और मेरे भी कर देगा क्या? नहीं करेगा, प्लीज़ किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। अगर एज नहीं थी और ग्रे हो गए हैं तो ये आपके, और अगर जेनेटिक रीजन नहीं है तो ये आपके ग्रे बालों को ब्लैक करेगा। अच्छा, अब इनके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है कि 4 months के बाद जो आपकी ग्रे बालों की अपीयरेंस होती है या नए ग्रे बाल उगते हैं, बालों में जो ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से ब्लैक बाल ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ये कंप्लीटली स्टॉप कर देगा। 4 months तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और 4 महीने के बाद जो ऑक्सीडेशन होनी है वो बंद हो जाएगी। 6 महीने के बाद क्या होगा, आपके बालों में मेलानिन की प्रोडक्शन को ये बूस्ट कर देगा, तो आपके बालों में, आपके स्कैल्प में ज़्यादा मेलानिन बनेगा, ताकि जो ग्रे बाल हैं आपको 6 महीने के बाद थोड़े डार्क ग्रे दिखने शुरू हो जाएंगे एज पर देम। और 9 months के बाद पूरे के पूरे बाल कन्वर्ट होके ग्रे से आपके ब्लैक हो जाएंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पूरे 9 months के बाद ना मेरे बाल, ये जो आपको इस वक्त आप ध्यान से देख लो, मेरे जितने भी बाल आपको यहाँ से ग्रे दिख रहे हैं ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मेरे सारे बाल मेरे 9 months के बाद ये सारे मेरे काले होने वाले हैं। सो बिल्कुल 100% ऑनेस्ट मैं अपना रिव्यू दूंगी आपको, और या ना मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, इस ब्रांड ने ना जब ये लॉन्च हुआ था ना प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में था, एंड आपको इंट्यूशन होती है ना कि दिस ब्रांड विल कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो चैनल का बेस है वो है ही बालों की वजह से, ग्रे बालों की वजह से, और मुझे था कि ये कॉन्टैक्ट मुझे ज़रूर करेंगे फॉर अ कोलैबोरेशन वीडियो। सो और ऐसा ही हुआ, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके 2 महीने बाद मुझे इनका कॉल आया था, and they wanted me to try this product and अपना review share करने के लिए, they wanted me to make a video, but as I mentioned कि you know पैसा या perks छोटे छोटे जो life में मिलते हैं ये आपकी life का main part नहीं है। I mean आपकी life में honesty जितना, मेरी life में तो खासकर मेरी life में honesty जितना मायने रखती है, truthfulness जितना मायने रखती है उतना कुछ मायने रखता है। so I said no to that collaboration और मैंने उस कोलैबोरेशन के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और मैंने उनको बोल भी दिया कि ये प्रोडक्ट मैं आपको ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस से मैंने पूछा था और उन्होंने कहा था आप रिव्यू डालें, तो मैं 100% इसका यू नो एक रिव्यू डालने वाली हूँ अपने चैनल पे, और मैं इसका अपडेट रिव्यू भी डालूंगी। सपोज मैं आपके साथ ही कोलैबोरेशन करती हूँ, यू पे मी और यू गिव मी दिस प्रोडक्ट फ्री, जो भी सिनेरियो में, तो मैं जब अपडेट वीडियो डालूंगी, और अगर 1% ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं करता है, तो यू वुड नॉट एक्सपेक्ट मी टू से द ट्रूथ, राइट? आप ब्रांड हो, आप कहीं ना कहीं ब्रांड के दिल में ये होता है कि किसी तरह यू नो हम जवाब ऐसा दें या ऐसा वीडियो बनाएं कि थोड़ी क्लैरिटी कम रहे। सो आई सेड ऐसा मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मेरा जो अपडेट वीडियो आएगा आफ्टर 6 months या 9 months, वो मैं बिल्कुल 100% अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू यू नो फूल अराउंड पीपल झूठ बोल के कि नहीं नहीं काम कर रहा है, आप यूज़ कर लो या कर जाएगा आप कर लो। सो बहुत ऑनेस्टली मैं यहाँ से बता रही हूँ, यहाँ बताना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को कि इस ब्रांड ने कॉन्टैक्ट जरूर किया था, बट ये मेरा, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये प्रोडक्ट मैंने खुद खरीदा है और ब्रांड ने मुझे ऑफर किया था बट मैंने डिनाई कर दिया। और जो भी आप रिव्यू देखोगे आफ्टर 4 months, 6 months एंड 9 months, ये बिल्कुल मेरा 100% ऑनेस्ट रिव्यू आएगा इस प्रोडक्ट को लेके, बिल्कुल भी 1% भी मैं, मतलब आई स्वेयर टू गॉड, 1% भी
कहीं भी उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी। आज से 4 मंथ के बाद आपको पहला अपडेट मैं दूंगी कि बालों में ऑक्सीडेशन या बालों की जो ग्रे अपीयरेंस थी या नए उग रहे थे वो कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं 4th मंथ के बाद, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद आपको एक और अपडेट मिलेगा, मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है बालों में। और 9 मंथ्स के बाद मैं 100% शेयर करूँगी कि मेरे बाल कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए। इसीलिए आज आपसे शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल कोई कलर नहीं लगाया हुआ है, इंडिगो और हेना की रेमेडी किए हुए ना, ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने हो गए हैं, तो देख लो बाल सारे ग्रे आ चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, हो जाता है तो आई मीन मेरे से ज़्यादा खुश इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि मेरी एज नहीं है इन ग्रे वालों की। नेचुरली अगर ब्लैक रहते हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर फॉर सेल्फ गाइस, बाय बाय।